हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गर्मियों के लिए बेस्ट शेक की रेसिपी। आपने बहुत सारे शेक पिए होंगे, बहुत सारे ट्राई किए होंगे, टेस्ट किए होंगे, लेकिन आज मैं आपके साथ जो शेक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ उसे ना तो आपने पहले कभी ट्राई किया होगा ना ही कभी टेस्ट किया होगा। आज मैं बिल्कुल नए तरीके के शेक की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ बेल का शेक। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इजी और टेस्टी रेसिपीज देखने के लिए मोनिकास किचन को सब्सक्राइब कीजिए। बेल का शेक बनाने के लिए हमें बेल का पल्प चाहिए। तो ये बेल है, ये एक फल होता है और बाहर से हार्ड होता है। इसे किसी भी भारी चीज से हम क्रैक कर लेंगे ताकि हम इसका पल्प निकाल सकें और इस तरह से हम इसके बाहर का हार्ड वाला छिलका उतार देंगे। और फिर एक बर्तन लेंगे और उसमें बेल को रखेंगे और फिर इसमें पानी डालकर थोड़ी देर के लिए रखेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और छिलकों पर से भी सारा पल्प उतार लेंगे। तो एक चम्मच लेकर हम इसका सारा पल्प उतार लेंगे। तो इस तरह से मैंने सारा पल्प निकाल लिया है। तो अब हाथ से ही इसे थोड़ा सा मसल लेंगे। तो इस तरह से आप बेल का पल्प पहले से ही तैयार करके रख सकते हैं और फिर आप बेल की कोई भी रेसिपी बना सकते हैं। और अब इसे छलनी में से छान लेंगे। तो आधा मैंने छलनी में डाल लिया है, तो आधा आधा करके हम इसे छान लेंगे और इस तरह से हमें फाइन पल्प मिल जाएगा। और छलनी में जो बचेगा उसको हम एक बार साइड में निकाल लेंगे और इसको बाद में एक बार फिर से दोबारा से छानेंगे। तो अभी बचा हुआ पल्प भी हम डालकर छान लेंगे। आई एम श्योर आपने अभी तक बेल के शेक की ये रेसिपी ना तो पहले ट्राई की होगी ना ही टेस्ट की होगी। तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें, आपको ये शेक की रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी और बेल वैसे भी बहुत ही फायदेमंद होता है। तो अभी जो छलनी में बचा है उसको फिर से बर्तन में डालकर थोड़ा सा पानी डालकर हम एक बार फिर से छान लेंगे। और जो छलनी में वेस्ट है उसको निकाल देंगे और इस तरह से हम पल्प को तैयार करके फ्रिज में रख सकते हैं और फिर जब चाहे इसकी कोई भी रेसिपी तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से बेल का फाइन स्मूथ पल्प तैयार है। तो आइए बेल का शेक बनाना शुरू करते हैं। मिक्सी के ब्लेंडिंग जार में 2 बड़े चम्मच हम बेल का पल्प डालेंगे और 2 चम्मच हम इसमें हनी डालेंगे। आप चाहें तो आप चीनी भी डाल सकते हैं, हनी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और फिर 1/2 कप इसमें हम दूध डालेंगे और 1 बड़ा चम्मच हम इसमें वनीला आइसक्रीम का डालेंगे। और थोड़े से आइस क्यूब्स डालकर हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। बेल का शेक बनकर तैयार है। इसे कांच के ग्लास में डालकर सर्व करेंगे। आपने बहुत सारे शेक ट्राई किए होंगे, टेस्ट किए होंगे, एक बार आप इस शेक की रेसिपी को भी ट्राई जरूर करें। बेल के शेक की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें
और साथ ही मेरे चैनल मोनिकास किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आप तक मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ बहुत ही जल्दी।